अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप में इंटरनेट चलाने के लिए 4G राउटर लेना चाह रहे हो तो अभी रुक जाओ, पहले वीडियो को कंप्लीट देखो, उसके बाद इसे खरीदना बाय करना, क्योंकि इसकी जो प्राइस होती है वो 3 से 4 हज़ार के बीच में आती है। तो 3-4 हज़ार खर्चा करने से पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख लो, क्योंकि आज के सर्वर में आपको बताने वाला हूँ ये जो 4G राउटर होती है ये वैल्यू फॉर मनी होता है या फिर नहीं, क्या आपको इसे खरीदना चाहिए, इसमें कितना इंटरनेट की स्पीड मिलती है, कितने हद तक हमारा काम आ सकता है, सारा डिटेल आज की वीडियो में आपको बताने वाले हूं। इसलिए पहले वीडियो को कंप्लीट देखो, उसके बाद इसे आप खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं। और आप इसे नहीं खरीदते इसके जगह पे आप क्या खरीद सकते हो, ऑप्शन पे क्या खरीद सकते हो, वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि जब तक आपको इस 4G राउटर के बारे में पता नहीं है तब तक आप इसे मत खरीदना वरना पछताओगे, लिख के रख लो पछताओगे। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देख लेना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके साथ घंटे को भी दबा लेना। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो ये जो 4G राउटर होती है इसे कौन लोग इस्तेमाल करते हैं, जिन लोगों के पास इंटरनेट केबल नहीं होता, वाईफाई नहीं होता, उन लोग एक साथ कई सारे कंप्यूटर लैपटॉप पर इंटरनेट चलाने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये डिवाइस सभी कंप्यूटर पर प्रॉपर इंटरनेट प्रोवाइड कर पाएगा, क्या ये सभी कंप्यूटर में अच्छी खासी स्पीड के साथ इंटरनेट चला पाएगा। तो देखो ये जो 4G राउटर है इसे यूज़ करते मुझे समथिंग 6 महीना 7 महीना लगभग हो गया है, राइट। और आज के डेट पर इसे मैं इस्तेमाल नहीं करता। क्यों इस्तेमाल नहीं करता? देखो इसे मैं लिया था अपने यहाँ जब वाईफाई नहीं लगवाया था, तब आज से 6 महीना पहले मेरे यहाँ कोई इंटरनेट केबल नहीं था, वाईफाई नहीं था, तो मैं इसी से अपना काम करता था, इंटरनेट चलाता था, ठीक है। इस पर मैं जियो के सिम लगाता था और अपना काम करता था। इस पर आप कोई भी सिम लगा सकते हो, जियो, आइडिया, एयरटेल, कोई भी आप सिम इसमें घुसेड़ करके मैं इंटरनेट चला सकते हो, राइट। मैं इस पर जियो का सिम यूज़ करता था, ओके। लेकिन ये बड़ा प्रॉब्लम क्या होता था, इस पर हमें स्पीड सिर्फ और सिर्फ 0 Mbps की मिलती थी, 0 Mbps की हमें स्पीड मिलती थी इस डिवाइस की मदद से। इससे बेहतर स्पीड हमें अपने फोन की स्मार्टफोन के हॉटस्पॉट से मिलता था, हमारे स्मार्टफोन के जो हॉटस्पॉट होते उससे हमें बेहतर स्पीड मिल जाता था कंपेयर टू 4G राउटर। मतलब इसमें आपकी स्पीड बिल्कुल नहीं के बराबर ही मिलती है। इससे बेनिफिट ये है कि आप एक साथ कई सारे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, एक साथ आप कंप्यूटर लैपटॉप सबको कनेक्ट कर सकते हैं इस डिवाइस की मदद से, ओके, नो डाउट। लेकिन जब स्पीड ही नहीं मिलेगा तो आप कनेक्ट करके क्या कर लोगे, क्या करोगे कनेक्ट करके जब इसमें स्पीड मिलेगा ही नहीं? तो भैया 0 Mbps मतलब कुछ भी काम नहीं होता इसमें, कुछ भी काम नहीं। आप वीडियो भी अगर देखोगे यूट्यूब पर अच्छी क्वालिटी पर तो वीडियो भी सही से आपको नहीं दिखेगा। तो इस चीज़ मैंने निकाल के फिर हटा दिया, मैं सीधा अपने यहाँ वाईफाई लगवा लिया, इंटरनेट केबल को लगवा लिया, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं एकदम ग्रामीण अंचल में रहता हूँ, गाँव में रहता हूँ, भाई मैं अच्छी खासी जगह पर रहता हूँ, सिटी में रहता हूँ, ओके। सिटी में रहने के बावजूद जो इंटरनेट की स्पीड है वो हमें काफ़ी लो मिलती है इस डिवाइस की मदद से। तो अगर आप ग्रामीण अंचल में रहते हो, गांव देहात में रहते हो और आप इस डिवाइस को लेना चाह रहे हो तो भैया भूल जाओ, बिल्कुल भी मत लो, ये डिवाइस आपको कुछ भी काम नहीं आने वाला, कुछ भी काम नहीं आएगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, गाँव अंचल में रहते हो, गाँव देहात में रहते हो तो ये डिवाइस आपको कोई भी काम नहीं आने वाला, क्योंकि ये ना तो सही से नेटवर्क प्रोवाइड कर पाएगा आपको, ना सही से आपको इंटरनेट की स्पीड दे पाएगा, आपको कुछ भी काम नहीं होगा ऐसे डिवाइस को खरीद करके। इसलिए आप इस डिवाइस को खरीदने से पहले ये डिसाइड कर ले कि आप किस जगह पर रहते हैं। अगर आप सिटी में रहते हैं और आपका ज़्यादा हैवी काम नहीं है, अगर आपको KBPS पे भी स्पीड मिलती है तो आप अपना काम चला लोगे, तब तो आप इसे खरीद सकते हो। और अगर आप सोचोगे कि इस डिवाइस की मदद से 10-20-30 Mbps की हमें स्पीड मिल जाएगी, काफ़ी हद तक हमें स्पीड मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, ये डिवाइस सिर्फ कचरा है। मैं इसे कचरा ही मानूंगा क्योंकि मुझे पता है इसके बारे में। इसे मैं 3300 रुपये में लिया था, 3300 में इसे मैंने लिया था और 3 दिन भी इसे मैं इस्तेमाल सही से नहीं किया, क्योंकि इसमें स्पीड मिलती ही नहीं है यार, कुछ भी स्पीड नहीं मिलता, ठीक है। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो इसे बिल्कुल भी बाई मत करना, बिल्कुल भी मत खरीदना, बिल्कुल पैसा वेस्ट है, ओके, पैसा वेस्ट है। और अगर आपको जानने की 4G राउटर में हमें कितना स्पीड मिलता है तो इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है, मोबाइल का हॉटस्पॉट और 4G राउटर का वाईफाई दोनों की हमने स्पीड टेस्ट किया है। आपको ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा क्या कि इसमें हमें कितना स्पीड मिलता है, भाई बिल्कुल 0 Mbps की स्पीड मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कि अब तो हम इसे नहीं खरीदेंगे क्योंकि स्पीड इसमें मिलता है नहीं, तो इसके जगह पर हम क्या खरीद सकते हैं। तो देखो अगर आप 4G राउटर नहीं लेना चाहते क्योंकि मैंने वो बता दिया रीजन क्या है, तो इसके जगह पर आप Jio 4G राउटर ले सकते हैं। Jio 4G जो छोटा सा डिवाइस आता है जिसमें आप सिम लगा करके वाईफाई यूज कर सकते हो, उनसे आप बाई कीजिए, वो आपको समथिंग 1800-1900-2000 के अंदर आपको मिल जाएगा, वो परफेक्ट चीज़ है, काफ़ी बेस्ट बेटर वो चीज़ है। उसमें आप जियो का सिम लगाइए और फिर अनलिमिटेड आप इंटरनेट की मजा ले सकते हो, अनलिमिटेड आप लुप्त उठा सकते हो इंटरनेट का, आपको उसमें स्पीड भी अच्छी मिल जाती है। इसमें तो कुछ भी स्पीड नहीं मिलेगा, लेकिन जो Jio 4G जो आता है Jio 4G उसमें आपको अच्छी खासी स्पीड मिल जाती है। मैं कोशिश करूंगा आपको Jio Wi-Fi का जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे पाऊँ, जहाँ से आप सिंगल क्लिक में
खरीद सकें, बाय कर सकें दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया 4G राउटर की क्या कुछ सच्चाई होती है, आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। भैया बिल्कुल भी मत खरीदना, डोंट बाय 4G राउटर भैया, कोई काम का नहीं आता। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हो ना, तब तो बिल्कुल भी कचरा है आपके लिए, बिल्कुल ही कचरा है। इससे मेरे पास खुद भी कचरा जैसे पड़ा है यार, कुछ काम का है नहीं, क्योंकि इससे कुछ तो होता है नहीं। इसके अलावा मेन प्रॉब्लम क्या होता है, जहां आपके क्षेत्र में नेटवर्क कम आया, मतलब ये कुछ भी काम नहीं कर पाता, नेटवर्क को ही बंद कर देता, मतलब इंटरनेट को ये बंद कर देता, सॉफ्ट करना बंद कर देता, मतलब कुछ भी काम नहीं आता। ऐसे में इसे खरीदना 2-3 हज़ार रुपये खर्चा करना बिल्कुल वेस्ट है। इससे बेहतर कि आप जियो वाईफाई खरीद लो, 1500-2000 मिल जाएगा और आप वाईफाई से फिर अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर इंटरनेट चला सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी दोस्तों।